आप सभी देख रहे हैं, चाहे वो महिला वर्ग का मैच हो चाहे पुरुष वर्ग का मैच हो, दोनों वर्गों में कहीं न कहीं से किसी जगह की माटी खुशबू आ रही है। और मैं अपने खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप आगे बढ़िए और ग्रह का नाम रोशन करिए। आप बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। एक इंडियन नेवी को वापसी का प्रयास आईपीएल दिल्ली का इस सेट में, लेकिन क्या ये सपना पूरा होगा देखते हैं आगे। चकलाइन तारे ये सर्विस और ये उड़ता हुआ जोरदार शॉट लगाया, आउट चली गई। एक अंक और इंडियन ने 2-0। इंडियन ने भी ऑन अटैक, ये सर्विस रिसीव हुई सपैन शाहिद। एक अंक और 3-0। नेवी अब रुकने वाली नहीं है, इसको रोकना पड़ेगा। एलपीएल के खिलाड़ियों को नहीं तो अपने सैलाब में बहा ले जाएगी। रोक दिया उनके सैलाब को, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। एक अंक 4-0 सकलैंड। चार किलो के स्कोर पर सकते सर्दी सुपर रेस एलपीएल के साइड में, लेकिन ये ब्लॉक आउट चली गई। इसका फायदा मिलेगा एलपीएल दिल्ली को, खाता खुल जाएगा उनका। स्कोर 1-4 एलपीएल दिल्ली। सर्विस सकते की रेस दिल्ली के खिलाड़ी शक्ति सिंह जो कि यहीं से संबंध रखते हैं, उनको श्री बेतन गौर जी के द्वारा इनाम की घोषणा की। जवाब नहीं कोई इसके पास, इंडियन नेवी के पास इसका। बेतन गौर जी के द्वारा 1,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगर उनका प्रदर्शन शानदार आता है, तो वैसे ही शानदार खिलाड़ी हैं, तो 1,000 रुपए की घोषणा हो चुकी है और हवा में गेंद। शिखर का पुट। एक अंक और इंडियन नेवी। सर्विस इंडियन नेवी की तरफ से 7-2 का स्कोर इंडियन नेवी की सर्विस। सर्विस रिसीव हुई ऊपर रहे एलपीएल साइड में, हल्का सा हल्की सी कलाकारी दिखाई, लेकिन चूक गए सकलैंड। एक अंक और एलपीएल को 3-7 एलपीएल दिल्ली, जिसमें ये सर्विस लेकिन अपने ही बीच में मार बैठे। बीच बीच में इनामों की घोषणाएं होती रही है और जो हकदार थे उनके उनको इनाम भी मिला, उनको पुरस्कार भी मिला। इस तरह से हवा में गेंद और डिफेंस सर्विस होते हुए
एलपीएम दिल्ली के खिलाड़ी और बनाने की कोशिश, लेकिन ये हवा में तैरती हुई ऊंची और पुनः एक बार बढ़िया शॉट। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे जो महोदय बैठे हैं श्री रिया शंकर सिंह जी, उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और लेकिन वही गलती जो कभी एलपीएफ ने की थी, वही गलती इंडियन नेवी ने भी की। क्या हिमांशु त्यागी, कितना खूबसूरत शॉट है हिमांशु त्यागी का। रात्रि के 10 बजने को है, आप सबको एक बार पुनः नमस्कार करता हूं और कल का जो फाइनल मैच होना है मैं आपको एक बार और याद दिला दूं। इस बीच ये सर्विस, लेकिन पीछे चौकन्ना नहीं, बल्कि हमारे हिमांशु त्यागी से चूक हुई। श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह, सांसद कैसरगंज गोंडा, भारतीय कोशी संघ के अध्यक्ष और एशियाई कोशी संघ के उपाध्यक्ष, और हवा में गेंद और रन बनाने की कोशिश वहां पर ब्लॉक होती हुई गेंद, पर बढ़िया सा डिफेंस हुई इंडियन नेवी के खिलाड़ी के द्वारा और शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जित किया इंडियन नेवी के खिलाड़ी ने। 11-5 का स्कोर संभवतः। आप सभी को कल के फाइनल मैच के बारे में बताया ही जा चुका है और आप सबसे अनुरोध है कि समय से पहले ही आकर के अपनी अपनी कुर्सियां रजिस्टर करा लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपको जगह नहीं मिलने वाली है। तो सर्विस इंडियन नेवी की तरफ से ऊपर रिसीव माइनस बॉल, लेकिन बॉल एक बार फिर इंडियन नेवी की साइड में, लेकिन देखते ही बनता है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खेल को। एलपीएम दिल्ली लगातार इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन होता चला रहा है और उसी क्रम में ये दूसरा सेमीफाइनल मैच पुरुष वर्ग का, और शानदार शॉट और अंक वाला शॉट। स्कोर इस समय 6-12। शक्लैन नहीं लेने देंगे चैन एलपीएम को। ये सर्विस और एक और मिलता हुआ साहिल, लेकिन अभी आपने देखा इंद्रदेव मेहरबान हुए थे, लेकिन मेहरबानी कम की, बल्कि बारिश हुई। लगातार मैच चलता रहा, उसके बाद ये दूसरा सेमीफाइनल मैच और ये बहुत ही बाहर मार बैठे। हल्की बारिश के बीच ये पहला सेमीफाइनल हुआ था, बहुत ही गर्मा गर्मी थी। 7-13 का स्कोर। जोरदार साथ ऊपर बॉल, फिर एक साथ का प्रयास, लेकिन और ये ऊपर रिसीव, लेकिन इस बीच एलपीएम के खिलाड़ी जो सचिन सिंह है उनको इस क्रम में एक और इनाम की घोषणा की प्राप्ति हुई है। श्री सिंकू सिंह जी द्वारा 500 रुपए के पुरस्कार की घोषणा अभी अभी हुई है। सर्विस एलपीएम की तरफ से रिसीव नहीं हो पाई, चूक गए इस बार, लगी ना कहा एक अंक और एलपीएम। 9-13 सर्विस एलपीएम की तरफ से रिसीव हुई, बहुत ही बढ़िया हुआ, शानदार, जितनी तारीफ करे उतनी कम। खूबसूरत प्लाटिंग, एक अंक और एलपीएम, 10-13।
लेकिन शहर जाइए एक रिकॉर्ड इंडियन ने भी 14 दशक। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जो उनके सके संबंधी इंडियन ने भी 26 कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होना है और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये राइट सर्विस 1 और 15 दस जितना हौसला अफजाई करेंगे उतना ही शानदार मैच होने की संभावना उसका महामुकाबले के लिए तैयार। और ये सीरीज के शॉट और नहीं रोक पाए इंडियन नेवी के खिलाड़ी और एक अंक मिलता हुआ एलपीएन को। एलपीएन के खिलाड़ी हैं उनके लिए 501 रुपए का पुरस्कार हमें प्राप्त हो चुका है राम प्रसाद चाचा जी के द्वारा, जो जिनके वो नाती हैं उन्होंने 501 रुपए का नगद पुरस्कार उस उद्घोषक बॉक्स के पास पहुंचाया और इसके ये गेम ड्रॉ होते हुए 16-12। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चाचा जी, श्री राम प्रसाद चाचा जी के द्वारा 501 रुपए का नगद पुरस्कार शक्ति सिंह के लिए और इनामों की बौछार इस समय इस सेमीफाइनल प्रतियोगिता के खिलाड़ी के लिए। सर्विस शानदार शानदार स्टार्ट को बयान करने वाला सब शानदार एक रिकॉर्ड एलपीएन 13-16। एलपीएन ने अभी आज नहीं छोड़ी है, आज छोड़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी लंबा सफर तय करना है। सर्विस एलपीएन की रिसीव हुई सकलैन ने रेज की हल्का और ये बेहतरीन साथ आधुनिक युग में फेसबुक लाइव और यहाँ पे देखे एक रिकॉर्ड यूट्यूब के माध्यम से इस मैच आपको देखना हाल दिखाया जा रहा है। जो लोग भी आनंद ले रहे हैं 14-16 का स्कोर रेज ऊपर शानदार वापसी की एलपीएन की टीम और ये बहुत बेहतरीन और वैसे भी हुई रेफरी महोदय की सर्विस एलपीएन की तरफ से, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, न दे पाया इंडियन ने भी और इसी के साथ स्कोर बराबर 16-16। ये सर्विस लेकिन पिछली बार की सर्विस ने अंत दिलाया, इस बार वही सर्विस धोखा दे गई। 17वां इंडियन नेवी को क्या होगा आगे, ये सर्विस शाहिद की ऊपर रेंज लेकिन इतनी ही बेहतरीन ब्लॉकिंग इंडियन नेवी की। उन्नीस 17 का स्कोर हिमांशु त्यागी
ये सर्विस शक्ति की शानदार डिफेंस और ये टर्निंग की बात को एक मोड़ दिया। एक अंक और एलपी रन के लिए 18-19 ये मुकाबला क्या परिवर्तित होगा। 18-19 का स्कोर सर्विस लेकिन पछता रहे होंगे कि क्यों ऐसी सर्विस की मैंने एक अंक पहाड़ में दे दिया। 20वां अंक इंडियन नेवी के लिए। इनके अंक इतने बहुत ही कीमती दोनों टीमों के लिए। और ये आपके सन्नाटे को चीरता हुआ चमकदार शॉट। एक अंक और 19-20 सर्विस ये सकलैंड ने रेत की छोटी सी रेत को मारा तो सही लेकिन सिंधी के द्वारा एक हजार रुपए का पुरस्कार 20 बराबर श्री राजेश राम सिंह गंभीर को। शिखर का ये कामयाब था कीजिएगा राधे राम सिंह श्री राधे राम सिंह भी गंभीर को उनके द्वारा 1,000 रुपए की घोषणा है। शक्ति सिंह जो खिलाड़ी हैं पीएम के 21-20 के स्कोर पर सकलैन ये सर्विस एलपीएन साइड में ऊपर बॉल सप्लाई ले रही एलपीएन साइड में लेकिन उसके पहले इशारा अंपायर का रेफरी का एक अंक 21 बराबर स्कोर दोनों टीमों ये मुकाबला एक अलग मोड़ पे रोमांचक दूसरा सेट एक एक पॉइंट की जद्दोजहद हम आसान है गेंद के लिए एलपीएम की तरफ से सर्विस सकलैन की ने ब्लॉक लेकिन पॉइंट लाया एक और एलपीएम को श्री राधे कृष्ण सिंह अमन के गोरखपुर के द्वारा शक्ति सिंह को 1,000 रुपए का पुरस्कार जो कि गंभीरपुर के रहने वाले हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अब एलपीएल एक मिनट आगे हो गई है लेकिन गुना इसको गुना ही कहेंगे। जी हाँ बिल्कुल अपने ही बुने हुए जाल में उलझ गए। 22वां अंक दे दिया इंडियन नेवी को बराबरी। क्या ये मुकाबला सर्विस लेकिन कैसे को कैसा पॉइंट मिला। एक अंक 23वां एलपीएन का एलपीएन के ये सेट संघर्ष सर्विस आउट चली गई बराबरी 23-23 बराबर 23-23 का स्कोर दोनों कभी कहा नहीं जा सकता कि ये ऊंट की शरबत बैठेगा। दोनों ही चौकर ने सर्विस इंडियन नेवी की तरफ से इसी हुई ऊंची ने टचआउट मारना चाहा लेकिन एलपीएन की
ऐसे ही 24 अंक भी ले लिया एलपीएन ने। प्रदर्शन के वजह से तमाम इस इनामों की घोषणाएं हुई और प्राप्त हुए 24-23 का स्कोर। शानदार प्रदर्शन के वजह से टीमों को पुरस्कृत किया श्री गिरिजाचंद्र सिंह जी ने और विशेष तौर पर खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार। एलपीएन की तरफ से सर्विस अंतिम सेट पॉइंट के लिए ये सर्विस आई रिसीव हुई सप्लाइन की रेट लेकिन सम्मान नहीं कर पाई एलपीएन की टीम और इसी के साथ इंडियन ने भी 24 रन मुकाबला जोरदार बालीवाल के जुगनू लगा के धरती पर चमक रहे हैं अपना उजाला बिखेर रहे हैं 24-24 का स्कोर बराबर। ये सर्विस इंडियन नेवी की साइड में सप्लाइन की है लेकिन एलपीएन के खिलाड़ियों द्वारा 25वां अंक जिता लिया अपने लिए बहुत ही जोश समय दर्शकों के अंदर दिखाता हुआ 25-24 कमेंट्री बॉक्स के दाएं तरफ जो दर्शक बैठे हुए हैं बहुत ही जोश से भरे हुए अपनी धरती पर एलपीएन की सर्विस क्या है सेट पॉइंट होगा नहीं 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 और इस तरह से ये दूसरा सेट एलपीएन ने जीत दर्ज की है। एलपीएन ने 26-24 से जीत लिया है और प्रतियोगिता ने इस मैच में जबरदस्त वापसी करी एलपीएन रोमांच बढ़ा दिया है और रोमांच